तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है इंजिग्नेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं एंड उसके कितने टैग्स से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैग देखेंगे एक जिसका नाम है बोल्ड। बोल्ड हम इस टेक्स्ट को हम बोल्ड कैसे कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है हमें अगर इसे बोल्ड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये अभी दिख कैसा रहा है। ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो दिखता है एक वेब पेज में वैसा दिख रहा है। अब हम इसे बोल्ड करना है, तो कैसे बोल्ड करेंगे हम लोग? तो हमें जाना है वेब टेक्स्ट फाइल में अपने एंड हमें एक टैग लिखना है बी नाम का एंड इसे हमें बंद भी करना है, मतलब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी देना है, हमें एंडिंग पॉइंट भी देना है, जिससे कि HTML के फाइल को ये मालूम चल जाता है कि इसे यहाँ से बोल्ड करना चालू करना है और यहाँ तक बोल्ड करना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमें देना है। अब इसे हम सेव करेंगे एंड रिफ्रेश आके करेंगे ब्राउज़र में, तो देखिए ये हो चुका है बोल्ड। अब हम नेक्स्ट टैग जानेंगे जिसका नाम है इटैलिक। तो इटैलिक कैसे होता है? तो इटैलिक के लिए एक टैग है आई एंड इसे उसी तरीके से शुरू भी करना है और बंद भी करना है। तो बंद भी कर दी है हमने, सेव करेंगे एंड आके हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट इटैलिक इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक। उसी तरीके से अब हमें किसी फॉन्ट को अंडरलाइन करना है, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। तो कैसे अंडरलाइन करेंगे? तो अंडरलाइन करने के लिए भी टैग है जिसका नाम है यू एंड यू को भी उसी तरीके से हमें हर बार की तरह क्लोज करना है एंड सेव करेंगे एंड फिर से आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हो चुका है अंडरलाइन। अब हमें ये तीनों जो हमने लिखे हैं, ये हमने जो तीन बार का टेक्स्ट लिखे हैं, अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है, तीनों को नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक टैग होता है जिसका नाम है एम्प्टी टैग और जो कि हम यूज़ करते हैं। एक एम्प्टी टैग नाम का टैग होता है जिसके अंदर आता है बी आर टैग। अब बी आर टैग को हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि हमने बी आर टैग लगाया। बी आर मतलब होता है ब्रेक टैग। हमने जैसे यहाँ पर ब्रेक लगाया वैसे ही अब हमने यहाँ पर ब्रेक टैग लगाया एंड हम सेव करेंगे एंड जब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये लाइन ब्रेक हो चुकी है, मतलब इसके बाद का जो भी डेटा है, इसके बाद का जो भी टेक्स्ट है वो अब नीचे आएगा। अब उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर भी अगर ब्रेक लगाया और सेव करेंगे एंड देखेंगे प्रीव्यू में, तो देखिए ये भी ब्रेक हो चुका है, मतलब एक लाइन ब्रेक हो जाती है, उसके बाद जो भी डेटा रहेगा वो नीचे आ जाता है। तो ये होता है ब्रेक टैग। इसको हम ये जो टैग है इसको हम शुरू करते हैं मगर बंद नहीं करते क्योंकि ये एम्प्टी टैग है। अब हम जानेंगे सेंटर टैग कैसे यूज़ होता है। तो सेंटर टैग यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटर टैग और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जैसे कि यूट्यूब लिख दिया हमने एंड सेंटर टैग को बंद करना है, बंद भी कर दिए, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे फिर हम प्रीव्यू में देखेंगे तो सेंटर टैग हम जो भी लिखेंगे वो सेंटर में लिख के वो सेंटर पे आएगा, पूरे के पूरे वेब पेज के सेंटर पे आएगा जो भी हम लिखेंगे सेंटर टैग के अंदर। अगर सपोज हमने सेंटर टैग हटा दिया तो कैसे दिखेगा? तो फिर सेंटर पे तो आएगा नहीं है, एकदम एकदम आखिरी में आएगा, एकदम लेफ्ट साइड में आएगा ये। अब हम सेंटर टैग में लिखेंगे तो फिर से ही सेंटर में आने वाला है। देखिए तो मतलब सेंटर टैग हम सेंटर में सेंटर टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं सेंटर टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो पूरा का पूरा सेंटर में आता है वेब पेज के। अब जैसे कि हमें वेबसाइट में या हमें कभी कभी हम कभी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं या केमिस्ट्री का इक्वेशन लिखते हैं, तो हमें कुछ इक्वेशन के लिखते समय हमें कभी टू को नीचे लिखना पड़ता है या पावर में कुछ लिखना पड़ता है, तो वो हम वेबसाइट में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए भी कुछ टैग बनाए जिसका नाम है, दो टैग है जिसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि हमें CO2 लिखना है और ओ जो टू है वो नीचे आना चाहिए ओके, तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने लिखा CO2, अब टू को मुझे नीचे करना है तो यहाँ पर हम एक टैग डालेंगे जिसका नाम है सब। सब मीन्स नीचे एंड सिंपली इसे क्लोज भी करना है हमें कहाँ तक,
या नीचे करना है वो बताना पड़ेगा। सेव करने के बाद हम जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए CO2 जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का इक्वेशन रहता है, जिस तरह से हमें लिखना है उस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमें 2 to the power 2 करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लिखेंगे 2 2 एंड यहाँ पर हम सब सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट का टैग है SUP एंड सिंपली हमें इसे क्लोज भी करना है तो हम इसे क्लोज भी कर देंगे। अब हम इसे रन करेंगे, सेव करके रन करेंगे तो देखिए 2 to the power 2 ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन कि जैसा हमें दिख रहा है। सो हमें कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना, आज हमने जाना कि हम बोल्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी टेक्स्ट को हम सेंटर में कैसे लेके आ सकते हैं पूरे के पूरे वेब पेज में, उसके बाद हमने BR टैग को भी इस्तेमाल करके देखा कि हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एंड फिर हम मैथमेटिकल इक्वेशन को वेबसाइट में दर्शाने के लिए, वेबसाइट में शोकेस करने के लिए हमने 2 टैग पढ़े, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो आज का ये वीडियो बेसिक फॉरबिडन टेक्स्ट के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए बातें जानेंगे HTML के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।